हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी 6:30 बज रहा है और आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो यहाँ पर मैं दूध बिठा दी हूँ, खीर बनाऊंगी, पूरी बनाऊंगी। तो आगे तक आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। बस सिंपल सा करके बेटी का जन्मदिन मना रहे हैं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं जा रही है ना, तो अकेले करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से इस साल सिंपल सा कर रही हूँ। और आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। और जितने माताएं बहनें, जितने मेरे फ्रेंड है यूट्यूब का, और जितने दोस्त है, सभी मेरे बेटी को आशीर्वाद दीजिएगा। दिखाती हूँ मैं किस तरह से सजाई हूँ, डेकोरेशन की हूँ। अभी आरुषि पढ़ने गई है, तब तक मैं सजा के आई हूँ इस रूम में, किचन में। यहाँ तब तक खीर पूरी बनाऊँगी, आरुषि पढ़ के भी आ जाएगी, हस्बैंड जी भी केक लेकर आ जाएंगे, मार्केट गए हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैं कुछ इस तरह से डेकोरेशन की हूँ, मैं और मेरा बेटा मिलकर किए हैं। और आरुषि गई है पढ़ने, वो जब तक आएगी तब तक मेरा खीर पूरी भी बनकर तैयार हो जाएगा। और हस्बैंड जी गए हैं केक लेने के लिए। तो इस साल सिंपल सा कर रही हूँ बर्थडे, किसी बच्चे को इनवाइट नहीं की हूँ, बस अपना ही फैमिली में ही केक कट कर देंगे। और जितने हमारे यूट्यूबर हैं, जितने हमारे फ्रेंड हैं, हमारा ये ब्लॉग प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिएगा। और सेहत कुछ ठीक नहीं जा रही है, इस वजह से सिंपल सा इस साल मैं कर रही हूँ बर्थडे। तो चलिए मिलते हैं किचन में इधर। तो फ्रेंड, मैं खीर पूरी बना ली हूँ, और जब भी बच्चों का बर्थडे आती है तो मैं खीर पूरी ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि शुभ होती है तो खीर तो बनाना ही चाहिए, मीठा होता है, तो मैं खीर बनाई हूँ। और इधर रात का डिनर भी मैं तैयार कर रही हूँ, आरुषि का फरमाइश है कुछ, तो वही केक तैयार है। अभी मेरी बेटी केक काटी गई, मैं थोड़ा सा ड्रेस भी बदल लूँ देखिए, और इसका पापा देखिए बैलून को ठीक कर रहे, खुल गया था। तो आप मेरे वीडियो पर बने रहेगा, यहाँ आरुषि तैयार हो चुकी है, वो छुप रही है, बाद में वीडियो में आएगी। यहाँ देखिए मेरा बेटा भी तैयार हो गया है, और इधर फ्रेंड आरुषि का पापा केक ले आया है। तो चलिए अभी केक कट करेंगे, तो आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। और यहाँ पर मैं दीपक धरा दी हूँ, रोली मोली चंदन सब रख दिए हैं, धान धूपा से हम लोग करते हैं इस तरह। और खीर पूरी तो मैं रखती ही हूँ, क्योंकि हाथ का बना हुआ खीर बहुत ही शुभ होती है। मिठाई रख दी हूँ, चॉकलेट है, चिप्स है, जो जो आरुषि का मन पसंद है। और यहाँ पर केक रख दिए है देखिए, चॉकलेट केक जो आरुषि का मन पसंद है। और यहाँ पर कैंडल धरा दिए, दादाजी भी आ गए हैं तो केक कट कर रही है। तो मेरी आरुषि कैसी लग रही है जरूर बताइएगा रेड ड्रेस में। और आरुषि का फरमाइश था, मैं बता ही देती हूँ, जो बिरयानी खाएंगे तो रात का डिनर बिरयानी बनने वाली है, तो ये रेसिपी मैं अगले ब्लॉग में डालूंगी, नहीं तो बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए आरुषि का दादाजी आ गए हैं, तो मैं बता दे रही हूँ जी कैसे कैसे करना है, क्योंकि उम्र हो गए है ना तो भूल जाते हैं। तो इधर देखिए चंदन लगाकर, धान धूप भी देकर आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हम लोग इसी तरह से करके आशीर्वाद देते हैं बच्चों को, और बर्थडे का केक कट करवाते हैं। और फ्रेंड, ये वीडियो बुधवार की है, 9 नवंबर की, और आज ये वीडियो। Thank you.
यहाँ पर रौनक आरुषि को खीर खिला रहा है, तो हम सब इसी तरह से खीर पूरी खिला देंगे थोड़े थोड़े करके, और उसके बाद लग जाएंगे डिनर बनाने में। तो आपको वीडियो देखकर कैसा लग रहा है फ्रेंड जरूर बताइएगा, और रौनक मन भर के खीर पूरी रसगुल्ला आरुषि को खिलाया और दादाजी केक खिला कर चले गए दुकान में। और इधर देखिए फ्रेंड, बाप बेटी में मस्ती हो रही है, तो बाप बेटी में हमेशा ही मस्ती होते ही रहती है। तो बस इसी तरह से आज का हम लोग छोटा सा ब्लॉग बनाया है, आप सभी को कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। और इधर देखिए फ्रेंड, आरुषि वीडियो कॉल पे अपना फुआ और फूफा जी को देख रहे हैं और हाय बोल रहे हैं। तो एक फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ और एक फ़ोन से वीडियो कॉल पर फुआ और फूफा जी से आरुषि बात भी कर रही थी। और ऐसे ऐसे हाय कर दो किसी को, हाय कर दो। अच्छा है।